हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरुजी में। मैं दोबारा से आपके सामने फिर से पेश हो गया हूँ विद द सेकंड पार्ट और मे बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स टॉपिक। सो हम स्टार्ट करते हैं, हमने लास्ट यहाँ तक छोड़ा था, इम्पोर्टेंट नोट से स्टार्ट करना है हमने। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, दैट्स इट। सो नंबर वन, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर जो है वो जीएसटी अप्लाई नहीं होता, ठीक है। सो या ये इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने ऊपर आपको बताए थे, उनके बारे में ही थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं क्या है। यूजली जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज इनपुट जीएसटी, इज नॉट अ कॉस्ट फॉर द परचेजर बट इट्स एन एसेट, ठीक है। सो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो प्रोड्यूसर होता है वो आगे गुड्स किसको सेल करता है, डिस्ट्रीब्यूटर को। तो डिस्ट्रीब्यूटर जो है जो भी टैक्स इन द फॉर्म ऑफ इनपुट जीएसटी प्रोड्यूसर को पे करता है ना, वो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कॉस्ट नहीं होती। बेसिकली वो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए क्या है, एक असेट है। असेट कैसे है, वो जो पैसा उसने उसको दिया है, मतलब प्रोड्यूसर को पे किया है, वो अल्टीमेटली उसने किससे रिकवर कर लेना है, होलसेलर से। होलसेलर ने आगे से किससे रिकवर कर लेना है, रिटेलर से। और रिटेलर ने अल्टीमेटली किससे रिकवर करना है, हम लोगों से, दैट इज़ कंज्यूमर्स, ठीक है। तो लास्ट चेन में जो बंदा होता है वो होता है कंज्यूमर। तो अल्टीमेटली जीएसटी का या इनडायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन होता है वो हमारे कंज्यूमर्स के ऊपर ही आता है। सो ये एक प्रोड्यूसर के लिए या एक बायर के लिए जो कंज्यूमर नहीं है उनके लिए क्या है, एक एसेट, ना कि एक खर्चा या एक कॉस्ट। बिकॉज इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड, जब सेल करेगा ना वो पर्सन जो प्रोड्यूसर से बायर कर रहा है गुड्स को, वो जो सेल करेगा नेक्स्ट पर्सन को इन द चेन, दैट इज़ जो चेन मैंने यहाँ पे बनाई है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को सेल करेगा जब, तो होलसेलर से जो भी सेल के ऊपर जीएसटी कलेक्ट करेगा दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट जीएसटी, ठीक है। तो ये अपना हिस्सा जो इसने पे किया प्रोड्यूसर को वो निकाल के, द रेस्ट दैट पर्सन विल हैव टू सबमिट टू द गवर्नमेंट, ठीक है। तो जो भी डिफरेंस होगा ये रख लेगा, डिफरेंस होगा वो गवर्नमेंट को जमा कर देगा, जो इसने पे कर दिया उसको क्या करेगा, सरकार को जमा कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट है, हाउएवर इन सर्टेन केसेस जीएसटी पेड कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड। अब कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे जीएसटी पेड जो है जीएसटी कलेक्टेड के साथ सेट ऑफ नहीं होता, वो कौन कौन से केसेस हैं। इन सच केसेस जीएसटी पेड ऑन परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज अ कॉस्ट फॉर द परचेजर। तो ये क्या होती है, परचेजर के लिए कॉस्ट। कौन कौन से केसेस हैं जिनमें जीएसटी इनपुट जो है आउटपुट के अगेंस्ट सेटअप नहीं होता। नंबर वन इसमें है फूड एंड बेवरेजेस एक्सपेंसेस, रेस्टोरेंट्स के जो बिल होते हैं ये इनपुट टैक्स होता है, मतलब इनपुट टैक्स जो है वो कॉस्ट होती है बायर के लिए। नंबर टू, पेमेंट फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस की पेमेंट भी जो है उसके ऊपर जो भी जीएसटी पे किया जाता है वो क्या होती है, हमारी कॉस्ट। देन थर्ड, पेमेंट ऑफ मेंबरशिप फी ऑफ अ क्लब हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, मतलब कोई क्लब में आप मेंबरशिप की पेमेंट करते हो, कोई हेल्थ सेंटर में आप मेंबरशिप की पेमेंट करते हो, कोई फिटनेस सेंटर जैसे कि जिम वगैरह में जो भी आप पेमेंट करते हो उसके ऊपर जीएसटी पे करते हो, वो आपके लिए क्या है, कॉस्ट है, ठीक है। देन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ अ बिल्डिंग, आप बिल्डिंग की मेंटेनेंस कर रहे हो उसके ऊपर भी जो आप जीएसटी पे करते हो दैट इज इनपुट जीएसटी इज योर कॉस्ट। देन परचेज ऑफ व्हीकल्स, आप कोई व्हीकल परचेज करते हो चाहे वो कमर्शियल व्हीकल हो चाहे वो नॉन कमर्शियल व्हीकल हो, मतलब डोमेस्टिक यूज़ के लिए किया जाने वाला व्हीकल हो, उसके ऊपर भी जीएसटी इज अ कॉस्ट, इनपुट जीएसटी पेड इज कॉस्ट टू द बायर। देन फ्री गिफ्ट टू द स्टाफ, स्टाफ को कोई भी गिफ्ट दे रहे हो फ्री में, वो भी क्या होगा, आपकी कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा। देन पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज, मतलब जैसे कोई ड्राइंग्स हैं, कोई आप ड्राइंग्स करते हो उसके ऊपर जो भी जीएसटी पे कर रहे हो उसके ऊपर जो जीएसटी आप पे करोगे उसका भी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो नहीं ले सकते, ठीक है जी। तो ये सारे केसेस हैं जिनके ऊपर जीएसटी का क्रेडिट आपको नहीं मिलता, मतलब ये कॉस्ट होती है किसके लिए, बायर के लिए। देन जीएसटी पेड दैट इज इनपुट जीएसटी इज रिवर्स्ड इन द फॉलोइंग केसेस, कि जो जीएसटी है वो रिवर्स हो जाता है, रिवर्स मतलब उल्टा हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप परचेज के टाइम पे जीएसटी पे करते हो तो वो इनपुट जीएसटी, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपकी गुड्स जो है वो स्टोलन हो गई, मतलब चोरी हो गई, आपने जर्नल में भी किया होगा या हम आगे जर्नल जब करेंगे तो उसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि परचेजेस में क्या होता है कि कुछ केसेस
कुछ नहीं, मतलब चार केसेस जो हैं स्पेसिफाइड, जिनमें परचेजेस जो है वो क्या होती है, क्रेडिट होती है. तो उनमें से एक केस गुड्स लॉस्ट और स्टोलन होता है, जिसमें परचेजेस को क्या किया जाता है, क्रेडिट. एट द टाइम व्हेन वी परचेज गुड्स, परचेज क्या होती है, डेबिट. बट गुड्स जब लॉस्ट हो गई, गुड्स चोरी हो गई, तो उस केस में जीएसटी जो है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट इनपुट जीएसटी. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे परचेज की एंट्री डालता हूँ, आपने परचेज की, परचेजेस अकाउंट, अकाउंट डेबिट, परचेज के ऊपर कौन सा जीएसटी होता है, इनपुट. इनपुट अगर आप विद इन स्टेट कर रहे हो तो इनपुट सीजीएसटी, डेबिट इनपुट एस जीएसटी, डेबिट. अगर आउट ऑफ द स्टेट करें, मतलब इंटर स्टेट परचेज कर रहे हो, तो इनपुट आईजीएसटी. टू अगर तो कैश में परचेज है तो टू कैश आ जाएगा, अगर क्रेडिट पे परचेज हो तो क्रेडिटर का नाम आ जाएगा. ठीक है जी. सो ये तो होगी हमारी परचेज की एंट्री. अब जब गुड्स हमारी चोरी हो गई हैं, या हमने गुड्स जो हैं वो किसी भी कारण से डिस्ट्रॉय हो गई हैं, गुड्स चैरिटी में हमने दान दे दी, या गुड्स को पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर लिया, तो एंट्री क्या होती है. अगर हमने ड्राइंग की है तो ड्राइंग्स, गुड्स चोरी हो गई तो गुड्स स्टोलन बाय थेफ्ट, अकाउंट डेबिट. ठीक है. टू अब क्रेडिट में क्या आएगा आपका, परचेजेस. ठीक है. और क्रेडिट में क्या आएगा, इनपुट सीजीएसटी. और क्रेडिट में क्या आएगा, टू इनपुट एसजीएसटी. और क्रेडिट में अगर आपने इंटर स्टेट परचेज किया, मतलब अपनी स्टेट से दूसरी स्टेट में परचेज की है, तो आपका आएगा इनपुट आईजीएसटी. तो ये जीएसटी देखो यहाँ पे क्या हो गया, रिवर्स हो गया. ठीक है. रिवर्स मतलब उल्टा हो गया, जो आपने जीएसटी पहले डेबिट किया था उसको क्रेडिट करना पड़ेगा. ठीक है जी. तो ये था हमारा वो केस जिसमें आपने गुड्स जो है वो मतलब बेची नहीं है, अल्टीमेटली आपने किसी ना किसी पर्पज़ के लिए उसको यूज़ कर लिया, गुड्स जो है वो चोरी हो गई. देन इसके बाद आता है हमारा फॉलोइंग, गुड्स एंड सर्विसेज आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम लेवी ऑफ जीएसटी. अब कुछ चीज़ें होती हैं या कुछ सर्विसेज होती हैं जिनमें जीएसटी जो है वो एग्जम्प्ट होता है. एग्जम्प्ट मतलब जिसपे आपको जीएसटी जो है उसकी छूट मिल जाती है. ठीक है. आपको जीएसटी मतलब उसके ऊपर पे नहीं करना पड़ता. उसमें सबसे पहला क्या है, पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज. सैलरीज और वेजेस की जो पेमेंट करते हैं उसके ऊपर आपको जीएसटी का एग्जम्पशन मिल जाता है. सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू द गवर्नमेंट और टू द एम्बेसीज ऑफ अदर कंट्रीज. आप गवर्नमेंट को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, या किसी फॉरेन कंट्री की एम्बेसी हमारे इंडिया में है, हम उसको कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए जीएसटी एग्जम्पशन मिलता है. देन इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स. आप इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल के ऊपर भी जो है जीएसटी की एग्जम्पशन ले सकते हो. एजुकेशनल सर्विसेज जैसे ट्यूशन क्लासेस हैं या कोचिंग सेंटर्स हैं, इनके ऊपर भी जो भी सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, यहाँ पे जीएसटी का एग्जम्पशन जो है हमें मिल जाता है. देन हेल्थ सर्विसेज, कोई भी हेल्थ सर्विसेज हैं, जैसे कोई भी हेल्थ सर्विसेज, डॉक्टर आपको कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, या कोई जिम ट्रेनर आपको कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके ऊपर भी जीएसटी का आपको एग्जम्पशन मिल जाता है. ठीक है जी. तो नेक्स्ट है इसके बाद ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव्स जो हैं मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाने वाला आपको. मैं ये जो इसकी पीडीएफ फाइल है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, या डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा, आप वहाँ से इसको अच्छे से रीड कर लेना. मैं फटाफट एक बार इसका ओवरव्यू दे देता हूँ. क्या है, डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ गुड्स. जो कॉस्ट ऑफ गुड्स हैं विल डिक्रीज सिंस टैक्स ऑन टैक्स इज एलिमिनेटेड इन जीएसटी रिजीम. जीएसटी के टाइम में जो है गुड्स के ऊपर टैक्स, और टैक्स के ऊपर फिर से टैक्स लगाया जाता था. जैसे कि टैक्स लग गया एक बार, उसके ऊपर फिर सेस लगाए जाते थे, और गुड्स जो हैं आपकी बहुत महंगी हो जाती थी, जो कि अब जीएसटी के जो भी रिजीम जीएसटी का चल रहा है उसमें ये सारा कुछ खत्म हो गया है. सो इन द प्री जीएसटी रिजीम देयर वर मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस लेविड बाय बोथ सेंटर एंड स्टेट. हाँ, अगर आप पुराना जो है इंडिया का इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम पढ़ोगे ना, देन यू विल सी देयर आर मेनी फ्लॉज. बहुत सारी कमियां थी. ठीक है. सेंट्रल गवर्नमेंट अलग टैक्स लगाती थी, स्टेट गवर्नमेंट अलग टैक्स लगाती थी, सेसेस अलग होते थे, मतलब पागल किया हुआ था पूरा. ठीक है. तो वो अब खत्म हो गया जीएसटी के बाद. देन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. बिजनेस करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो गई, क्योंकि एक ही टैक्स है, हार्मनी आ गई है बिजनेस में. देन रिड्यूस टैक्स इवेजन. इवेजन का मतलब होता है चोरी. टैक्स की जो चोरी है अब वो खत्म हो गई है या कम हो गई है. ठीक है. क्योंकि जो जीएसटी का सिस्टम है ना, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है. देन टैक्स सिस्टम बिकम्स मोर ट्रांसपेरेंट. जैसे कि मैंने आपको बताया, ट्रांसपेरेंट हो गया है, रेगुलर हो गया है, और क्या हो गया, प्रिडिक्टेबल. ठीक है. आप कितना कमाओगे उसके ऊपर कितना टैक्स बनेगा आपका, वो जो है हमारी गवर्नमेंट इजीली
एस्टिमेट कर सकती है, ठीक है जी। देन इसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी। जीएसटी के अंडर हमने कौन कौन सी जो है टाइप्स पढ़नी है। सबसे पहला है सेंट्रल जीएसटी, इसको हम सीजीएसटी बोलते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हिस्से में जाता है। देन इसके बाद है स्टेट जीएसटी, ठीक है, स्टेट जीएसटी या यूनियन टेरिटरी जीएसटी, इसको यूटीजीएसटी बोलते हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट या वो यूनियन टेरिटरी जो है वो रखेगी, ठीक है। जैसे यूनियन टेरिटरी हमारे इंडिया में 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है, अंडमान निकोबार है, दमन एंड दीव है, दिल्ली है, ठीक है, चंडीगढ़ है, ये सारी यूटीज हैं, ठीक है। जब इनके पास कोई भी टैक्स की कलेक्शन आएगी ना, या मतलब विद इन द स्टेट कोई गुड्स जो है खरीदी या बेची जाएंगी, तो उसके ऊपर जो भी टैक्स जो है लेवी होगा वो स्टेट जीएसटी होगा। इसने एक एग्जांपल दी हुई है, जैसे कि एक डीलर राजस्थान में गुड्स सेल कर रहा है टू अ डीलर इन राजस्थान वर्थ रुपीज 50,000, सपोज द जीएसटी रेट ऑन जीएसटी ऑफ सॉरी जीएसटी रेट ऑन द गुड्स इज 12%, दिस रेट विल कंप्राइज ऑफ सीजीएसटी एट द रेट 6% एंड एसजीएसटी एट द रेट 6%। मतलब बाय एडिंग बोथ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इट विल बिकम 12%, ठीक है। सो द सेलर हैज़ टू कलेक्ट 12% ऑफ रुपीज 50,000, दैट इज 6,000, ऑफ विच 3,000 विल बी टेकन ओवर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द रेस्ट 3,000 विल बी टेकन ओवर बाय द स्टेट गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट वर्किंग इन द यूनियन टेरिटरी। देन थर्ड है इंटीग्रेटेड जीएसटी, इसको हम आईजीएसटी कहते हैं। ये सारा कुछ मैंने वैसे आपको बता ही दिया है ऊपर। इंटीग्रेटेड जीएसटी जो है ये तब अप्लाई किया जाता है जब गुड्स जो है इंटर स्टेट सेल होती हैं। इंटर स्टेट सेल का मतलब क्या होता है, देखो बच्चों को ना इंट्रा और इंटर में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। इंट्रा का मतलब होता है विद इन द स्टेट, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, विद इन द स्टेट, ठीक है। और जो इंटर होता है, इंटर का मतलब होता है आउटसाइड द स्टेट, ठीक है। सो ये स्टेट के बाहर जब गुड्स को सेल किया जाता है तो आईजीएसटी जो है अप्लाई किया जाता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। इसमें एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल डीलर ऑफ राजस्थान सेल्स गुड्स टू डीलर इन मध्य प्रदेश वर्थ रुपीज 50,000, सपोज द आईजीएसटी रेट इज 12%, इन सच अ केस द सेलर विल चार्ज रुपीज 6,000 एज आईजीएसटी, ठीक है, एंड दिस एंटायर अमाउंट विल गो टू सेंट्रल गवर्नमेंट। आईजीएसटी जो होता है वो प्योरली किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है जी। अब नोट में इसने क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। If the GST rate is 12%, it will comprise 6% of CGST and 6% of SGST. In case of sales outside the state, the entire amount will be credited to central government. If the CGST rate is 18%, it will comprise 9% of CGST, that is central government's share, and 9% is of the state government's share. In case of sales outside the state, it will be called IGST, or 18% pure ka pura kiska hoga, central गवर्नमेंट का, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, हाँ जी, यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होगा आपका जर्नल एंट्री का। अब अभी तक जितना भी आपने किया हो सारे का सारा क्या था, थ्योरेटिकल पार्ट। अब जो है हमारा प्रैक्टिकल पार्ट इसमें स्टार्ट होगा। अब आपने उसके साथ कैसे डील करना है बड़े ध्यान से समझना, अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या है। अब अकाउंटिंग प्रोसीजर में सबसे पहले तो इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स की बात करेंगे या और सर्विसेज की बात करेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहली एंट्री क्या आती है, इंट्रा स्टेट का मतलब विद इन द स्टेट, मतलब अगर पंजाब में हम रह रहे हैं, पंजाब में बिजनेस कर रहे हैं, पंजाब में गुड्स बेच रहे हैं, तो उसके ऊपर जो है वो कौन सा जीएसटी लगेगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो इसको हम बोलेंगे क्या, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसमें सबसे पहली एंट्री आती है अगर आप परचेज करते हो, तो परचेज इज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, और अगर क्रेडिट पे है तो क्रेडिटर्स क्रेडिट हो जाएंगे। नरेशन क्या आएगा, बीइंग गुड्स परचेज। अब जीएसटी का रेट अगर 12% है तो 6% सीजीएसटी हो जाएगा, 6% ही एसजीएसटी हो जाएगा, ठीक है। नंबर टू पे आता है हमारी सेल ऑफ गुड्स। अगर हमने सेल करी है, सेल के ऊपर जीएसटी जो होता है वो हमेशा आउटपुट होता है, परचेज के ऊपर जीएसटी जो होता है वो क्या होता है, इनपुट, ठीक है। अब सेल के ऊपर जो आपने जीएसटी है उसकी क्या एंट्री डालनी है, अगर तो गुड्स कैश बेची हैं बैंक अकाउंट डेबिट, अगर तो गुड्स उधार पे बेची हैं मतलब क्रेडिट पे बेची हैं, देन द नेम ऑफ डेटर्स विल बी डेबिटेड। टू, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, सबको सभी को पता है जर्नल के रूल के अकॉर्डिंग। अब सेल्स के ऊपर जो जीएसटी होगा वो हमारा क्या होगा, आउटपुट, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, नरेशन में क्या आ जाएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड। वही सेम चीज़ अगर 12% है तो 6% आउटपुट सीजीएसटी एंड 6%
सॉरी एस सी जी एस टी एंड 6% एस जी एस टी, ठीक है जी. सो नेक्स्ट एंट्री इज फॉर द परचेज ऑफ परचेज रिटर्न, मतलब जब हम परचेज की ही गुड्स को क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं. तो रिटर्न जो है परचेज के टाइम पे एंट्री क्या डाली थी आपने, परचेज के टाइम पे एंट्री डाली थी परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सी जी एस टी अकाउंट डेबिट, एस जी एस टी अकाउंट डेबिट टू बैंक और क्रेडिटर. तो जब आप रिटर्न में करोगे, रिटर्न करोगे गुड्स को, तो एंट्री क्या आ जाएगी. देखो यहाँ पे सिर्फ इसने क्रेडिटर्स लिखा है, बैंक अकाउंट नहीं लिखा. बच्चों ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है. वो चीज़ क्या ध्यान में रखनी है कि जो रिटर्न होती है ना वो हमेशा क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल के अगेंस्ट ही एक्सेप्टेबल होती है. अगर आप कैश परचेज करते हो और कैश सेल करते हो उस केस में रिटर्न पॉसिबल नहीं होती. समझ में आया. सो रिटर्न जो है वो कैश परचेज और सेल के केस में अप्लाई नहीं होती. जो रिटर्न है वो किस केस में अप्लाई होती है, क्रेडिट जो उधार पे आप परचेज करते हो और सेल करते हो उसके ऊपर जो है रिटर्न अप्लाई होगी. तो यहाँ पे इसीलिए सिर्फ इसने क्रेडिटर अकाउंट लिखा है क्योंकि ये परचेज जो है क्रेडिट पे जो होगी उसी की रिटर्न एक्सेप्टेबल होती है. तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट कर दिया हमने टू क्रेडिटर अकाउंट. क्यों डेबिट किया, क्योंकि हमारे क्रेडिटर्स अब कम हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि रिटर्न जा रही है उनके पास. तो टू परचेज रिटर्न. अब यहाँ पे जैसे कि मैंने ऊपर बताया था कि जो रिटर्न है रिटर्न के टाइम पे जीएसटी जो है इनपुट वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी, ठीक है. इन केस ऑफ परचेज रिटर्न इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी आर क्रेडिटेड बिकॉज एट द टाइम ऑफ परचेज इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी अकाउंट वर डेबिटेड. सेल के टाइम में हमने जीएसटी को क्या किया है, क्रेडिट. तो जब सेल रिटर्न होगी तो ये जीएसटी जो है आपका क्या हो जाएगा, डेबिट. और एंट्री क्या आएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट सी जी एस टी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एस जी एस टी अकाउंट डेबिट टू डेटर्स. अब यहाँ पे भी डेटर्स लिखा है सिर्फ, क्यों, क्योंकि रिटर्न सेल्स रिटर्न भी जो है वो क्रेडिट होगी तभी ही रिटर्न एक्सेप्टेबल होगी, अदरवाइज यहाँ पर रिटर्न एक्सेप्टेबल नहीं की जाएगी अगर वो कैश होती है, ठीक है. अब यहाँ पे इसने क्या लिखा है, इन केस ऑफ सेल्स रिटर्न आउटपुट सी जी एस टी आउटपुट एस जी एस टी आर डेबिटेड बिकॉज एट द टाइम ऑफ सेल आउटपुट सी जी एस टी एंड आउटपुट एस जी एस टी वर क्रेडिटेड. तो इसका जो इफेक्ट है उसको ख़त्म करने के लिए क्या करना, हमने डेबिट कर देना, ठीक है. देन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, आपने एसेट फिक्स एसेट जो है वो क्या की, परचेज की, ठीक है. तो जब आप फिक्स एसेट परचेज करोगे तो उसके केस में क्या एंट्री आएगी, एसेट बिजनेस में आ रही है तो एसेट्स क्या होंगी, डेबिट. तो अगर परचेज है कुछ भी हो, एसेट हो, गुड्स हो, सर्विसेज हो, तो उस केस में जीएसटी जो है वो इनपुट ही होगा. फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू पेमेंट, दैट इज बैंक अकाउंट. अगर आप कैश परचेज कर रहे हो, अगर क्रेडिट परचेज कर रहे हो तो क्रेडिटर का नाम आ जाएगा, ठीक. नेक्स्ट एंट्री सिक्स्थ एंट्री है फॉर एक्सपेंसेस, मतलब आपको एक्सपेंस भी पे करते हो उसके ऊपर भी जीएसटी लगता है. जी हाँ बिल्कुल लगता है. एंट्री क्या आएगी, एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंस है, रेंट है, सैलरी है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट. अब इसके ऊपर भी जो जीएसटी है पेमेंट के ऊपर, जीएसटी जो है हमेशा इनपुट ही होगा, इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी टू बैंक अकाउंट, पेमेंट कर दिया आपने, ठीक है, बीइंग एक्सपेंसेस इनकर्ड, ठीक है. अब नेक्स्ट है इसके बाद हमारा, अगर आपकी कोई इनकम होती है, मतलब आप कोई पैसा रिसीव करते हो, जैसे कमीशन रिसीव किया आपने, इंटरेस्ट रिसीव किया, तो इंटरेस्ट जो है उसके ऊपर जितना भी आपका जीएसटी है वो क्या हो जाएगा, आउटपुट, ठीक है. मतलब इनकम के केस में जीएसटी हमेशा क्या होगा, आपका आउटपुट, ठीक है. तो यहाँ पे जैसे कि ये क्या हो गया पेन को, हाँ जी, ठीक है. तो यहाँ पे हमने क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट, इसलिए बिकॉज कमीशन जो है हमारी इनकम होती है. एज पर द रूल ऑफ जर्नल इफ़ यू रिसीव्ड एनी इनकम दैट इज ऑफ नॉमिनल नेचर, नॉमिनल अकाउंट दैट विल बी क्रेडिटेड ऑलवेज, ठीक है. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव टू आउटपुट सी जी एस टी टू आउटपुट एस जी एस टी, ठीक है. देन एट्थ पॉइंट है फॉर गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, जैसे कि ये ऊपर बताया था मैंने आपको, गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ की जाएँ, गुड्स की चोरी हो जाए, गुड्स को आग लग जाए, ठीक है, गुड्स आपने फ्री सैंपल्स दिए एडवर्टीजमेंट के केस में, आपने मतलब गुड्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी फ्री सैंपल्स, तो उस केस में जो है आपका जीएसटी क्या होगा, इनपुट सीजीएसटी जो है एसजीएसटी जो है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट. फ्रेंड्स जस्ट वेट, ये हैंग हो गया, हाँ जी.
ठीक है. सो यहाँ पे फॉर गुड्स विदड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, जैसे कि सबसे पहली एंट्री है ड्राइंग्स, पर्सनल यूज के लिए तो ड्राइंग्स ही होती हैं. अब यहाँ पे परचेज क्या होंगी, क्रेडिट. जैसे मैंने आपको चार केसेस बताया, पहला केस ड्राइंग्स का होता है गुड्स पर्सनल यूज के लिए, दूसरा केस जब आप सैंपल्स जो हैं फ्री मतलब पब्लिसिटी के लिए डोनेट पब्लिसिटी के लिए मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, थर्ड नंबर पे आता है गुड्स लॉस बाय फायर एंड थेफ्ट, और लास्ट केस हमारा आता है जब आप गुड्स जो हैं वो चैरिटी कर देते हो उनकी. ठीक है, चैरिटी का मतलब आप दान कर देते हो, उस केस में भी जीएसटी जो है सॉरी परचेजेस जो है आपकी क्या होंगी, क्रेडिट. तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट. मतलब इसका आपको कोई भी जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो नहीं मिलने वाला, बिकॉज गुड्स आप खुद यूज़ कर रहे हो पर्सनल यूज़ के लिए. देन इसके बाद आता है एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल्स विल बी कंसिडर्ड एज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसिस. सो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसिस अकाउंट डेबिट, इसने इकट्ठी एंट्री डाल दी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, लॉस बाय रेन अकाउंट डेबिट. ठीक है, टू परचेजेस अकाउंट, टू इनपुट सी जी एस टी अकाउंट, टू इनपुट एस जी एस टी अकाउंट. ठीक है, सो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल्स, गुड्स स्टोलन, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इनपुट सी जी एस टी एंड इनपुट एस जी एस टी रिवर्स्ड. इनके केस में जो जी एस टी है वो क्या हो जाता है, रिवर्स. अब हम अपने क्लाइमैक्स पे पहुंच गए हैं. क्लाइमैक्स क्या है, जब हमने जी एस टी को इनपुट जी एस टी को आउटपुट जी एस टी के साथ क्या करना है, सेट ऑफ. ठीक है, सेट ऑफ का मतलब क्या होता है कि हमने इनपुट सी जी एस टी जो है जो भी पे किया मतलब एज अ कॉस्ट टू अस, और जो आउटपुट जीएसटी जो है हमने कलेक्ट किया सेल्स के टाइम पे, उसको अब हम क्या करेंगे, सेट ऑफ करेंगे दोनों को. ठीक है, कैसे सेट ऑफ करेंगे, आउटपुट सीजीएसटी जो होता है वो इनपुट सीजीएसटी अगेंस्ट सेट ऑफ होगा. सो एंट्री क्या आएगी, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट सीजीएसटी सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी. बच्चों ध्यान से समझनी है ये एंट्री कि आउटपुट सीजीएसटी हमेशा डेबिट करना है. क्यों, क्योंकि आउटपुट सी जी एस टी आपने ऊपर क्या किया है, क्रेडिट, और जब आप इसको सेट ऑफ करोगे तो इसको आपने क्या करना है, डेबिट. और इनपुट सी जी एस टी का आपको क्रेडिट मिल गया, जो आपने पे किया था अब वो आपको वापस मिल गया, तो इनपुट सी जी एस टी जो है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट. देन इसके बाद आती है सेटिंग ऑफ ऑफ इनपुट एस जी एस टी अगेंस्ट आउटपुट एस जी एस टी. आप इनपुट एस जी एस टी को आउटपुट एस जी एस टी के साथ क्या कर रहे हो, सेट ऑफ. तो आउटपुट सी जी एस टी यहाँ पे फिर एस जी एस टी सॉरी क्या हो जाएगा, डेबिट, बिकॉज ऊपर क्रेडिट किया था, यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, डेबिट. ठीक है, और इनपुट सी जी एस टी ऊपर डेबिट हुआ था क्योंकि परचेजर ने बायर ने पे किया था, अब वो क्या करेगा, इसको सेट ऑफ कर कलेक्ट करेगा, तो उसको वो पैसा जो है वो रिसीव हो जाएगा, उसका बेनिफिट उसको मिल जाएगा वापस से, और ये क्या हो जाएगा, हमारा क्रेडिट, इनपुट सी जी एस टी अकाउंट क्रेडिट. ठीक है, ठीक है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन. सो हम यहाँ पे थे आउटपुट एस जी एस टी को हम सेट ऑफ करेंगे इनपुट एस जी एस टी के अगेंस्ट. उसके बाद पेमेंट ऑफ जी एस टी टू द गवर्नमेंट. सो एंट्री क्या आएगी, आउटपुट सी जी एस टी आउटपुट एस जी एस टी टू बैंक. मतलब यहाँ पे जो जी एस टी इनपुट सी जी एस टी के साथ सेट ऑफ करने के बाद जो बच गया वो हम किसको जमा करवा देंगे, सरकार को. ठीक है, सो ये हमारा जो होता है सी जी एस टी को सेट ऑफ करने का तरीका होता है. एंट्री क्या आएगी, आउटपुट सी जी एस टी आउटपुट एस जी एस टी टू बैंक अकाउंट. ठीक है, और लास्ट में इसने क्या लिखा हुआ है कि इसकी जो एंट्री है ना आप कंबाइन भी कर सकते हो. ठीक है, कैसे कंबाइन कर सकते हैं, यहाँ पे ना एक फीचर आ रहा था, मैं अभी देख रहा था. हाँ ठीक है, तो एंट्री नंबर 10, एंट्री नंबर 11 एंड एंट्री नंबर 12 में भी कंबाइंड. कंबाइंड एंट्री कैसे आती है मैं आपको बना के दिखाता हूँ. ठीक है, आपने यहाँ पे आउटपुट सी जी एस टी को डेबिट किया, यहाँ पे भी आउटपुट सी जी एस टी को क्या करो, डेबिट. ठीक है, आउटपुट सी जी एस टी डेबिट. यहाँ पे आपने आउटपुट एस जी एस टी को डेबिट किया, यहाँ पे भी मैं आउटपुट सी एस जी एस टी को क्या करता हूँ, डेबिट करता हूँ. ठीक है, आउटपुट एस जी एस टी को भी मैंने क्या किया, डेबिट किया. नेक्स्ट इसके बाद है आपने इनपुट सी जी एस टी को क्या किया है, यहाँ पे क्रेडिट. तो इनपुट सी जी एस टी को आप क्या कर दो, क्रेडिट कर दो. ठीक है, इनपुट सी जी एस टी को क्या कर दो, क्रेडिट. और इनपुट एस जी एस टी को आपने यहाँ पे क्या किया है, क्रेडिट. एस जी एस टी को भी यहाँ पे क्या कर दो, सिंपली क्रेडिट कर दो. और उसके बाद लास्ट में क्या लिखा है आपने, टू बैंक. तो ये तीनों एंट्रीज की जो है इकट्ठी एक एंट्री बन जाएगी, आउटपुट सी जी एस टी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एस जी एस टी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सी जी एस टी टू इनपुट एस जी एस टी टू बैंक. अब यहाँ पे बच्चों को अमाउंट की बड़ी कन्फ्यूजन होने वाली है, मैं आपको एक इसमें अमाउंट भी डाल के दिखाता हूँ. मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ कि जैसे आउटपुट
CGST, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी बट घबराना मत, वीडियो को पूरा जरूर देखना तभी ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर होगा। आउटपुट CGST जो है 15 रुपये है, आउटपुट SGST भी फिर 15 ही होगी, बिल्कुल 15 होगी, ठीक है। आउटपुट SGST जो है वो कितनी होगी, ₹15, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या आएगा, इनपुट, इनपुट CGST हम लेके चलते हैं से ₹12, ठीक है। इनपुट CGST कितना आ गया मेरा, 12। इनपुट SGST कितना आ गया, वो भी 12, क्योंकि सेम सेम होगा, सेम सेम रेट है, 6-6%, ठीक है। ये तो सिर्फ एग्जांपल लिए मैंने, अमाउंट कुछ भी कुछ और होगी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाएंगे उसको। ये आ गया ₹12। अब यहाँ पे मैं आउटपुट CGST में कितना फिल करूँ, 15, बिल्कुल ठीक। आउटपुट SGST में कितना फिल करूँ, इसमें भी 15, बिल्कुल ठीक। इनपुट CGST में कितना फिल करूँ, 12, ये भी बिल्कुल ठीक है। इनपुट SGST में कितना फिल करूँ, इसमें भी 12, तो ये भी बिल्कुल ठीक हो गया। अब ये देखो, अब 15 जो है मैंने आउटपुट CGST कलेक्ट किया, इसमें से इनपुट CGST जो है 12 माइनस कर दूंगा तो कितना रह जाएगा मेरे पास, 3, बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आएगा मेरे पास, ये रुपीस लिख दो ऊपर, आउटपुट SGST कितना है, 15, आउटपुट इनपुट SGST कितना है, 12, तो ये सेट ऑफ हो गया 12 इसके अगेंस्ट। मेरे पास आउटपुट SGST में कितना बच गया, 3, तो मतलब आउटपुट CGST में भी मेरे पास ₹3 पेंडिंग है, आउटपुट SGST में मेरे पास कितने, ₹3 पेंडिंग है। तो गवर्नमेंट को कितने पैसे जमा करेंगे हम, 3 + 3, दैट इज ₹6। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड बाई दिस एग्जाम्पल कि अगर मेरा आउटपुट CGST 15 है, आउटपुट SGST 15 है, इनपुट CGST 12, इनपुट SGST 12 है, तो अगर मैं 15 से 12 को सेट ऑफ करूँ तो ये ₹3 बचेंगे मेरे पास। SGST के केस में 15 को 12 से सेट ऑफ करूँ तो फिर 3 बच जाएंगे, तो जो डिफरेंस होगा मैंने आपको बोला था वो हम सरकार के पास जमा कर देंगे, दैट इज 3 + 3। और एक चीज़ याद रखनी है, जो आउटपुट टैक्स होगा ना, आउटपुट कोई भी GST है, चाहे वो CGST है, चाहे वो SGST है, आउटपुट GST इज ऑलवेज ग्रेटर देन इनपुट GST। समझ में आई बात, आउटपुट GST जो है हमेशा इनपुट GST के GST से क्या होगा, ग्रेटर देन। तो यहाँ पे जो बच गया कितना आ गया मेरा, 6। तो आप यहाँ पे टोटल कर लो, ये 12 है, कितना आ गया, 24, 24 + 6 कितना हो गया हमारा, 30, दैट इज 30। तो ऊपर भी 30 है डेबिट में और नीचे भी क्रेडिट में क्या है, 30। तो आप इन तीनों एंट्रीज की जो है वो एक एंट्री बना सकते हो, ज़्यादा कन्वीनियंट है। जिसको समझ में आ गया वो इसकी एक एंट्री बना दे, जिसको नहीं समझ में आया वो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके इसकी क्वेरी जो है वो क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट में इसके क्या है, प्रैक्टिकल स्टार्ट। अब प्रैक्टिकल्स बच्चों जो अगर आप करना चाहते हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना, ठीक है, कि आप इसके प्रैक्टिकल जो है समझना चाहते हो, तो मैं इसके प्रैक्टिकल की एक अलग से वीडियो बना दूंगा। थ्रेटिकल कंसेप्ट जो है हमारा यहीं तक था, ये बिल्कुल क्लियर हो गया है, ठीक है। अगर आपको चाहिए होगी वीडियो सो मेरे को जरूर मैसेज करना, मेरा नंबर जो है वो है 9877043033। आप मेरे को इस पे व्हाट्सएप के थ्रू भी बता सकते हो मैसेज करके, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो कि सर हमारे को जो है प्रैक्टिकल्स पे भी जो है न्यूमेरिकल्स पे भी वीडियो चाहिए GST के ऊपर। मैं खुशी खुशी जो है इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आपको जो है वीडियो प्रोवाइड करूंगा, आपके जो भी डाउट्स होंगे वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन उसके लिए आपके जो है आपकी रिक्वेस्ट मेरे को चाहिए कि आप, रिक्वेस्ट नहीं मतलब, अगर आप चाहते हो कि हम इसके ऊपर वीडियो बनाएं तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। आप मेरे को इस नंबर पे या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है जी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूं, कोई भी CBSE की नोटिफिकेशन आती है या कोई भी टॉपिक जो है आपको चाहिए, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, ठीक है, ठीक है जी। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में या इस नंबर पर व्हाट्सअप करके भी बता सकते हैं कि सर हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। हाँ, इसके बारे में आप मेरे को ज़रूर बताना, एज सुन एज पॉसिबल मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अगर आपके पॉजिटिव जो है कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास कि हमारे को इसके ऊपर वीडियो चाहिए, आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।